बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट? माय नेम इज़ सिद्रा नसीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। नाउ टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, एंजाइम। एंजाइम, एन एंजाइम इज़ अ सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, regulating the rate at which chemical reaction proceeds without itself being altered in the process. The biological processes that occur within all living organisms are chemical reaction and most are regulated by enzyme. जितने भी living organisms हैं उनके अंदर chemical reactions पाए जाते हैं और ये chemical reactions जो हैं enzymes की वजह से होते हैं। enzyme वर्क करते हैं एज अ कैटलिस्ट, इट्स मीन ये रिएक्शन में हिस्सा तो नहीं लेते लेकिन रिएक्शन के जो रेट होता है उसको फास्ट कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म, द कलेक्टिवली टर्म फॉर ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन डेट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं इनका अगर हम टोटल सम लें तो इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। द केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। एनाबॉलिज्म इंक्लूड द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्ज मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज, वाइल कैटाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच द लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। एनाबॉलिज्म जो है ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, इसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल की सिंथेसाइज हो रही होती है, जबकि कैटाबॉलिज्म जो है ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, इसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये ब्रोकन डाउन हो रहे होते हैं। कैटाबॉलिज्म इज द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन डेट ब्रेक डाउन लार्जर मॉलिक्यूल्स। यूजुअली एनर्जी इज रिलीज इन कैटाबॉलिज्म एंड इट इज़ यूटिलाइज इन एनाबॉलिज्म। इन दिस वे द बायोकेमिकल रिएक्शन आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन एंड देयर फॉर थ्री डायमेंशनली फोल्डेड चेंजेस ऑफ अमाइनो एसिड विथ स्पेसिफिक शेप। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और इनके अंदर मखसूस किस्म और तमाम एंजाइम की एक मखसूस शक्ल होती है। इनकी ये मखसूस शक्ल जो होती है ये थ्री डायमेंशनल फोल्डेड लेयर की वजह से होती है और इनकी ये और एंजाइम्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड की तरतीब जो होती है ये इनकी एक ख़ास तरतीब होती है, इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से अमाइनो एसिड की एक ख़ास तरतीब होती है और ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। व्हेन एंजाइम स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन कैटलाइज द रिएक्शन हैज डज नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ, व्हिच मींस इवन अ सिंगल और लिटिल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन स्टार्ट अ रिएक्शन एंड कैटलाइज फास्टली। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंजाइम इनकी रफ्तार को, इनके स्पीड को बढ़ाते हैं लेकिन ख़ुद इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होते। एंजाइम की थोड़ी सी भी मिकदार या स्मॉल क्वांटिटी भी जो होती है वो भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकती है और काम बहुत तेज़ी के साथ होने लगता है। रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड सब्सट्रेट। अब केमिकल रिएक्शंस के दौरान एंजाइम्स की मौजूदगी में जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हें हम सब्सट्रेट कहते हैं। फोर, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन। अ सिंगल एंजाइम कैटलाइज्ड ओनली अ सिंगल केमिकल रिएक्शन और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। हर जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पारे जो भी वक्ू पजीर हो रहे होते हैं या जो भी हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन, हर केमिकल रिएक्शन के लिए डिफरेंट एंजाइम होता है, एक पर्टिकुलर मखसूस एंजाइम होता है जो कि उसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है और अगर इसकी क्वांटिटी कम हो तो वो इसी रिएक्शन को स्लो भी कर सकता है। A small portion of enzyme where substrate attaches with enzyme is called active site. अब enzymes जो हैं जब वो अपने substrate के साथ attach हो जाता है तो वो इस enzyme का active site कहलाता है।
They are sensitive to even a minor changes in pH temperature and substrate concentration. Some enzyme required cofactor for their functioning. A cofactor is a non-protein substance which may be inorganic or organic. बहुत सारी chemical reactions जो होते हैं उसके अंदर enzymes को अपने लिए cofactor जो है वो दरकार होते हैं, क्योंकि enzymes जो हैं यहाँ पर एंजाइम नॉन प्रोटीनियस कंपाउंड होते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. एंड एंजाइम इज इनहिबिटर इज अ मॉलिक्यूल डेट बाइंड टू एन एंजाइम एंड डिक्रीज द एक्टिविटी. सिंस ब्लॉकिंग एंड एंजाइम एक्टिविटी कैन किल अ पैथोजीन. नंबर 10, देयर प्रेजेंस डज नॉट इफेक्ट द नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्ट्स. केमिकल रिएक्शन के दौरान जब भी कोई नया प्रोडक्ट बन रहा होता है तो केमिकल की अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसके ऊपर असर अंदाज नहीं होती हैं. यूजेस ऑफ एंजाइम. मैनी एंजाइम आर यूज कमर्शियली इन इंडस्ट्रीज. पेपर इंडस्ट्रीज टू गेट यूज फॉर पेपर मेकिंग. फूड इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग बेकरी प्रोडक्ट एंड पिज़्ज़ा. द ब्रिन इंडस्ट्री फॉर कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल. बायोरिजन यूज टू रिमूव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स. फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम. ये आपको मैं ब्रीफली बताऊँगी. इसमें नंबर 1 फैक्टर जो है वो सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, नंबर 2 टेम्परेचर एंड नंबर 3 पीएच. नंबर 1 है सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन. जैसे कि आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो गई है कि अगर एंजाइम की क्वांटिटी को अगर हम सेम रखें और इसके अंदर किसी भी सबस्ट्रेट का जो कंसनट्रेशन है उसको बढ़ा दें तो इसके अंदर केमिकल, इसके दौरान जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है या तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है या इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है. नंबर 2 है टेम्परेचर. एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीनियस नेचर होते हैं इसलिए हर एंजाइम्स की कारकर्दगी पर या इसकी कहना चाहिए एक्टिविटी के ऊपर एक मखसूस किस्म का टेम्परेचर जो है वो भी असरअंदाज होता है. नंबर 3 इस पीएच. केमिकल रिएक्शंस के दौरान जितने भी एंजाइम काम कर रहे होते हैं इनकी एक अपनी मखसूस पीएच होती है और इनकी अपनी मखसूस पीएच या मुनासिब पीएच क्या कहलाती है, ऑप्टिमम पीएच कहलाती है. द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. टू थ्योरीज आर प्रपोज, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल. द लॉक एंड की मॉडल टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट फिट टुगेदर. ईच एंजाइम फिट स्पेसिफिकली टू अ सर्टेन सबस्ट्रेट. फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज फिट टुगेदर विद लिपिड टू ब्रेक देम डाउन. अब ये इसके अंदर इस मैकेनिज्म को समझने के लिए साइंटिस्ट ने इसमें 2 थ्योरीज बनाई थी. सबसे पहली थ्योरी थी द लॉक एंड की मॉडल और दूसरी थी इंड्यूस फिट मॉडल. लॉक एंड की मॉडल को सबसे पहले 1894 में हिमल फिशर ने प्रपोज किया था. इस थ्योरी के मुताबिक केमिकल रिएक्शंस के दौरान इंजाइम्स के साथ इस तरीके से सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है, बिल्कुल फिक्स हो जाता है, जिस तरीके से लॉक के अंदर की जो है वो फिट हो जाती है. और इंजाइम के एक्टिव पार्ट के साथ जब सबस्ट्रेट फिट हो जाता है तो वो इंजाइम का एक्टिव साइट कहलाता है, या हम उसको आम जबान में एक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं. सेकेंड थ्योरी, इंड्यूस फिट मॉडल. द इंड्यूस फिट मॉडल सजेस्टेड बाय डैनियल कॉशलैन इन 1958. इट एक्सप्लेन्स डेट एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स शेप अंटिल द सबस्ट्रेट बाइंड टू इट. इट ऑल्सो सेज डेट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लैक्सीबल. लॉक एंड की थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन इट. इस थ्योरी को सबसे पहले 1958 में डैनियल कॉशलैन ने प्रपोज किया था. इसके मुताबिक क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, इस वजह से सबस्ट्रेट इसके अंदर फिक्स नहीं हो पाता जिस तरीके से लॉक एंड की मॉडल में एकदम फिक्स हो जाता है. स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम.
इंसानी जिस्म के अंदर 1000 के करीब इंजाइम्स पाए जाते हैं, क्योंकि इंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीनियस नेचर होते हैं और इनके ऊपर मखसूस किस्म के चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस और इनकी अपनी मखसूस खसूसियात होती हैं। ये इंजाइम्स या तो एसिडिक इन नेचर होते हैं, या बेसिक इन नेचर होते हैं, या हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, और इनकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। इनकी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप इस वजह से होती है कि इनके साथ फंक्शनल ग्रुप भी कभी अटैच हो जाते हैं। पोस्ट एवोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। नंबर 2, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एंजाइम। नंबर 4, एक्सप्लेन ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। थैंक यू।